नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको गाड़ी चलाते समय ये नियम जरूर जान लेना चाहिए, नहीं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों नए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें यातायात से जुड़े नियमों में सख्ती को और भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे नियम के बारे में जिससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है, आप इससे बचें। स्कूल क्षेत्र में गति सीमा को पार न करें। अगर आप स्कूल या फिर किसी शैक्षणिक संस्थानों से आसपास से गुजर रहे हैं तो इस संवेदनशील क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गति से वाहन न चलाएं, नहीं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी जगहों पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक वाहन नहीं चला सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में पकड़े जाते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दी जा सकती है। वाहन चलाते समय आप फ़ोन का इस्तेमाल न करें। अगर आप वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यह भारतीय यातायात नियम के विरुद्ध है। अगर आप वाहन चलाते समय नेविगेशन सेवा के अलावा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पर जुर्माना वसूला जा सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने से ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और किसी तरह की दुर्घटना घट सकती है। ऐसा करने से आप पर जो है जुर्माना लग सकता है। अगर आप वाहन चलाते समय हैंड फ्री फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार में कंपनी की तरफ से यह सुविधा मिलती है, लेकिन इस दौरान आप ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे आपका ध्यान भटक सकता है और किसी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो यह यातायात नियमों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जेब्रा क्रॉसिंग पार ना करें। अगर आप वाहन चला रहे हैं और सड़क पर पैदल यात्री क्रॉसिंग पर चल रहे हैं, जिसे कि टेक्निकल भाषा में जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी होती है तो कार या फिर बाइक को जेब्रा क्रॉसिंग पर जाकर रोक देते हैं। दरअसल यह स्थान जो होता है वह पैदल यात्रियों को सड़क क्रॉस करने के लिए होता है। ऐसे में अगर आपका वाहन जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा होता है या फिर वहां तक पहुंच जाता है तो ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर चालान कर सकते हैं। अगर आप इस गलती को बार बार दोहराते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप वाहन में तेज म्यूजिक बजाते हैं तो अगर आप कार में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ड्राइवर अगर तेज आवाज़ में गाना बजा रहे हैं तब जुर्म है, यह एक क्राइम है। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर जुर्माना कर सकती है। बता दें कि इस दौरान 100 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन पुलिस परिस्थितियों के हिसाब से जुर्माना बढ़ा सकती है। इन सब के बीच में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। अगर आप फुटपाथ पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बता दें कि जब सड़कों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति होती है तो लोग अपनी गाड़ियों को फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान दुर्घटना की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि फुटपाथ पर गाड़ी चलाना कानूनी रूप से जुर्म है। अगर आप इस तरह की गतिविधि में पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि इस दौरान आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है। तेज हॉर्न का इस्तेमाल करना। अगर आप वाहन चलाते समय तेज हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप लगता है। मोटरसाइकिल में बड़ी गाड़ियों का हॉर्न लगाकर लोग सड़कों पर चलते हैं, जिसके कारण मोटरसाइकिल के आगे चल रहे गाड़ी को इस बात का भान नहीं होता कि पीछे कौन सी गाड़ी है और वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से बैन है। अगर कोई भी वाहन चालक इस तरह के हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही साथ लाइसेंस भी उनका रद्द हो जाएगा। एम्बुलेंस को साइड नहीं देना। अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो आपको साइड देना चाहिए। एक तो मानवता के नाम पर, दूसरा मोटर वाहन अधिनियम में इसको लेकर कानून बना हुआ है। अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं तो 10,000 रुपये का चालान का नियम है। आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में एम्बुलेंस का सायरन दूर से ही सुनाई देता है। ऐसे में आपको एम्बुलेंस की जगह देना चाहिए।
सार्वजनिक सड़कों पर रेस न करें। अगर आप सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो यह कानूनी रूप से जुर्म है। आप सड़क पर ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। अगर आप रेस ड्राइविंग और अन्य अपराधों के लिए भारी जुर्माना लग सकता है। अगर आप सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। तो ये वो नियम थे, ये वो कारण हैं जिसके कारण जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसलिए आप जो है इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।